आज मैं फिर एक न्यूमेरिकल लेके आपके सामने आया हूँ। ऑलरेडी आप इस टॉपिक पे डिस्कशन कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखें तो आप ये टॉपिक पे डिस्कशन हो चुका है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसी पे बेस्ड है। आप थोड़ा पकड़ भी सकते हैं न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट मतलब प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब T0B इज इक्वल टू, आप साफ साफ लिख लीजिए, 96.63 डिग्री सी। हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम, मतलब ये WA इज इक्वल टू दिया हुआ 500 ग्राम, मतलब कितना ऐड किया गया, किस पे भाई, वाटर है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, आप यहीं से क्लू निकाल सकते हैं। हाउ मच सुक्रोज इसका मतलब WB इज द क्वांटिटी, व्हाट मच क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में डाला गया, सच दैट इट बॉइल्स एट, इसका मतलब जब बॉइल किया सॉल्यूशन के तो दैट इज कॉल्ड TB, दैट इज वैल्यू इज 100 डिग्री सी। तो हमें क्वेश्चन से पहले जैसे आउटलाइन निकाले 100 डिग्री सी, ठीक है। मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड KB कहलाता है, जो बात हम कर चुके हैं इस पे, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अगर ये चीज आप निकाल चुके हैं तो बड़ा आसान है तरीका इसका, देखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू फॉर्मूला होता है केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, देखिए डिग्री सी में दिया है, डिग्री सी में तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, केल्विन में हो तो भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप डेल्टा टीबी निकालते हैं तो चेंज करने की जरूरत, बिकॉज ये दोनों डिफरेंस है। अगर आप 273 दोनों ऐड करेंगे इस कंडीशन में तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसको टीबी माइनस टीबी नॉट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 100 माइनस 96.63 डिग्री सी, आप देख सकते हैं इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आप देखिए, डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, वो आएगा 3.37 केल्विन के अराउंड आएगा, आई थिंक सो, होप सो सही होगा, हाँ ठीक है, 100 डिग्री सी में हमने माइनस किया, ठीक है। केबी की वैल्यू गिवन है तो आप ऐसे कर लीजिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू, से ओपन कर लीजिए, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू, ग्राम में तो हम यहां 1000 लेंगे, अपॉन डब्ल्यू ए, क्योंकि ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा, हमें निकालना है डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी के पहले फॉर्म में फॉर्मूला लिख लीजिए, डेल्टा टीबी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए बाई केबी इंटू 1000, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। अब डेल्टा टीबी की वैल्यू आप जानते हैं, यहां पे वैल्यू क्या निकाली हमने, 3.37 इंटू मोलर मास किसका निकालना है, हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज ओहो सुक्रोज मतलब शुगर की बात करते हैं, शुगर का फॉर्मूला यहां C12H22O11, इसका मोलर मास निकालना है तो 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 16 × 11, आई होप 342 के अराउंड इसका आना चाहिए वैल्यू, जहां तक मुझे थोड़ा सा याद है, मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं, वैसे आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, ठीक है। 342 इंटू, अब डब्ल्यू ए हमारे पास 500 ग्राम दिया हुआ है, के बी 0.52 गिवन है, अपॉन 1000 गिवन है, तो आप अब वैल्यू कैलकुलेट, 1108.2 ग्राम के अकॉर्डिंग आप ये वैल्यू तकरीबन इसमें ऐड करेंगे। तो ये रहा आपका वेट निकाला आपने इस तरीके से। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, और ये चीज लिखना बहुत जरूरी होता है, ये फॉर्मूला लिखना, बाद आप जब भी बोर्ड एग्जाम जब देंगे तो याद रखिएगा, वन मार्क हेयर देन अगेन, अगर राइट आंसर तो 1 मार्क है, तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे डिवाइड होता है। तो ये ख्याल रखें, जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो चीजों को पहले लिखें, उसके बाद फॉर्मूला लिखें, फिर फॉर्मूला वैल्यू, अगर आप यहां तक भी कर लेते तो दो नंबर आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, इसका जरूर ख्याल रखें, इस तरह से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे